बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आज एक फिर नई रेसिपी के साथ आप लोग को सबको खुशामदीद वेलकम। आज बनने वाले हैं डोसे, जिसको मैंने रात से ही प्रिपरेशन शुरू कर दी है। आप लोगों को इंग्रेडिएंट बताती हूँ, फिर ये सब मिलाकर वॉश करके ओवरनाइट पूरा 2 घंटे हम सोक करके उसको ग्राइंड कर देंगे। ग्राइंड करके पूरा पेस्ट ओवरनाइट रख देंगे ताकि उसके अंदर खमीर आए। तो चलिए इंग्रेडिएंट्स नोट कीजिए। तो इंग्रेडिएंट्स इस तरीके के हैं। ये मग से मैंने 5 मग चावल ले लिए, नॉर्मल से घर में जो कुक होते हैं वो चावल ले लें, बासमती ना हो बेटर होगा, ये छोटे वाले चावल ले लें। माश की दाल जो कि उड़द दाल भी बोलते हैं, यही मग से 1.5 मतलब 1.25 मग मैंने माश की दाल ली है। बिल्कुल छोटे चम्मच से 1 चम्मच मेथी दाना लिया है। मेथी दाना इसलिए डालती हूँ कि वो क्रिस्पी डोसे जो बनते हैं वो क्रिस्पी बनते हैं और अच्छे से ब्राउन भी होते हैं। तो ये सब मिला के मैं वॉश कर लेती हूँ, फिर उसके बाद आपको बताती हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने इसे वॉश कर लिया है और अब हमें इसको 3 से 2 घंटे मैक्स इसको हमने सोक करना है वाटर में। उसके बाद इसे ग्राइंड करके पेस्ट बना लेने का है। जब मैं पेस्ट बना लूंगी तब आपको मैं बताऊंगी किस तरीके का पेस्ट होगा। फिर चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। जी वेलकम बैक। अब जो 3 घंटे हो गए थे सोक कर, तो मैंने इसका इस तरीके से पेस्ट बना लिया है। अब देखें आप, ये बिल्कुल हाफ है, सुबह तक अच्छे से फूल जाएगा क्योंकि इसमें खमीर आ जाएगा और गर्मी का मौसम है, अच्छी तरीके से आ जाएगा। तो अब हम इसको कवर करके रात भर ऐसे खुला छोड़ देंगे, बाहर फ्रिज में नहीं रखना है इसको, इस पे जब खमीर आ जाएगा बस। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। देखिए ये कितना ऊपर आ चुका है, ये इसका मतलब ये अच्छे से खमीर आ चुका है इसका। तो इस तरीके से होगा पेस्ट अपना। अब इसे पानी और नमक मिलाना है इसमें, उसके बाद हमें पता चलेगा इसकी कंसिस्टेंसी, जैसी अपने को डोसे डालते वक्त चाहिए वो रखनी है। तो चलिए वो शुरू करते हैं अपन। जी ये 3 चाय के चम्मच नमक है, ग्लास पानी तो डाल रही हूँ मैं। फिर देखेंगे इसकी कंसिस्टेंसी 200 की जैसी हो बस, वरना फिर और लगेगा पानी। पानी तो बहुत अच्छा आया हुआ है, स्मेल भी बढ़िया आ रही है। बस है दो ग्लास पानी। अगर आपको डोसे प्रॉपर नहीं डल रहे हैं तो इसमें और पानी ऐड कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई थी, जब मैं इसको ग्राइंड कर रही थी, एक बड़ी कटोरी लगभग इससे ये स्पून से शायद 4 स्पून होंगे, वो कुक्ड राइस मिक्स कर मैंने इसे ग्राइंड किया हुआ है। तो कुक्ड राइस भी आप डाल सकते हैं, ऑप्शनल है, आप डालें वरना ना डालें, कोई उसकी ऐसे इम्पोर्टेंस नहीं है। बट बहुत सॉफ्ट से, और जो मेथी डाला था उससे हम कड़क उसे बना सकते हैं, ऊपर से सॉफ्ट हो गया मेथी से कड़क। अब हम तैयारी करते हैं आलू के साग की, और उसके इंग्रेडिएंट्स ये हैं: 1 किलो आलू, 3 बड़े प्याज, 1 चाय का चम्मच राई मस्टर्ड सीड्स, 3 बड़े चम्मच जो सालन के होते हैं वो बड़े चम्मच से 3 चम्मच तेल लिया है, कुछ पत्ते करी पत्ता, 3 हरी मिर्च, 1/2 टीस्पून हल्दी एंड 1.5 स्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं प्रिपरेशन। स्टार्ट करते हैं हमारा आलू का साग बनाना। उसमें डलेंगे राई, राई थोड़ी कड़कड़ानी चाहिए, लाइक अच्छे से कुक होनी चाहिए। जी देखिए ये अच्छे से कुक हो गई है,
फड़फड़ा रही है, मैं इसको डाल दूँगी हरी मिर्च ऐसी कट करके डालनी चाहिए। हल्दी और नमक भी डल चुका है, थोड़ा ऐसे मिक्स कर लेंगे, फिर इसमें डाल देंगे ऑनियन। ऑनियंस मोटी मोटी कट करनी चाहिए ताकि कुछ गल जाए कुछ ना गले, साबित रहे। साबित प्याज बच्चों को पसंद नहीं है, दैट्स व्हाई मैं जरा इसे अच्छी तरीके से कुक कर देती हूँ। ये कुक होने लगेगा जब हम इसे डालेंगे आलू। हल्दी थोड़ी ज़्यादा पड़ती है इसमें, वो जो साग का जो पीलापन होता है वो दोस्तों के अंदर अच्छा लगता है, एंड हल्दी गुड फॉर हेल्थ। तो अब मैं डाल दूँगी आलू। इसमें लाल मिर्च हम नहीं डालते, और वैसे बाजार में भी जो मिलता है ना आलू उसमें भी लाल मिर्च नहीं होती। बस कुछ और मसाले नहीं पड़ते, सादा सीधा सा आलू होता है, ना धनिया ना गरम मसाला कुछ नहीं। बस मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ और बहुत मज़े का बनता है, मेरे बच्चों को तो बहुत पसंद है, सभी पसंद करते हैं मेरे हाथ के पकवान। इसलिए सोचा कि चैनल खोलूं और आप लोग से शेयर करूं अपनी रेसिपी। आप लोग देख रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छे कमेंट्स पढ़ने को मिल रहे हैं, थैंक यू सो मच। अच्छे से मिक्स हो गया है, तो अब इसमें डालेंगे एक ग्लास पानी। एक ग्लास पानी डाल के हम इसे कुकर की सीटी लगा देंगे। दो सीटी में आलू तो बहुत जल्दी गल जाते हैं, दो सीटी में हो जाएगा। बस उसको पतला नहीं रखना है, बस थोड़ा सा गाढ़ा रख दें तो बहुत अच्छी आलू की भी साग बन जाएगी। अभी मैं इसे कुकर की सीटी लगाऊंगी और दो सीटी दूंगी। देखिए अब मैं कुकर की सीटी लगा चुकी हूँ, अब हम इसे फुल आंच पर करके दो सीटी का इंतज़ार करते हैं। जी देखिए दो सीटीज हो चुकी हैं, अब हम ये निकालेंगे और इस तरीके से पानी है तो अब हम इसे थोड़ा पका लेंगे। थोड़ा हम इसे पकाएंगे, पका के थोड़ा सा बिल्कुल सुखाने देना, थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा इसका पेस्ट रहे तो अच्छा रहेगा। ये आलू का साग तैयार। थोड़ा आप टेस्ट कर लीजिए, अगर नमक कम पड़ा तो आप जो है सो इसको फिर से डालें। नमक थोड़ा कम है, एक आधा चम्मच और लगेगा। तरीके से ये तैयार हो चुका है, अब हम इसे उतार लेते हैं। अगर आपको ये बिल्कुल सूखा चाहिए तो आप सूखा भी कर ले सकते हैं, लेकिन हमको ये इतना ऐसे चाहिए तो हम ऐसा रख रहे हैं इसको। अब हम बनाते हैं चटनी। चटनी की तैयारी के इंग्रेडिएंट्स ये हैं: 250 ग्राम मूंगफली, पीनट, 100 ग्राम खोपरा, 15 अदद होगी शायद ये लाल सूखी मिर्च, अगर सूखी मिर्च आपके पास नहीं है तो घर वाला पाउडर भी आप यूज़ कर सकते हैं, 10 से 15 गार्लिक के क्लोव्स,
मेरे पास क्रिस्टल सॉल्ट है, हिमालयन सॉल्ट या क्रिस्टल सॉल्ट, आप जो भी यूज़ करना चाहेंगे वो कर सकते हैं। मेरे पास ये क्रिस्टल सॉल्ट है, एक बड़ा चम्मच ले ली मैं, और ये है इमली, थोड़ी सी इमली, हसबे जायका ले लीजिए क्योंकि मैं ज़्यादा खट्टा नहीं खाती, तो बिल्कुल थोड़ी सी इमली मैं यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, अब इसका प्रोसेसिंग बताते हुए मैं आपको रिकॉर्डिंग बताऊँ। चलिए अब शुरू करते हैं प्रोसेस, इसको भुनेंगे हम। ज़रा मैं भुनने वाला तरीका इसलिए बता रही हूँ कि थोड़ा मेरा डिफरेंट है, इसमें थोड़ा सा हल्का सा ऑयल भी डलेगा लहसुन और मिर्च के लिए। मिर्च की डेट उतार लें और खोपरे को पीसेस कर लें इस तरीके से, मैंने इस तरीके से पीसेस कर लिए। खोपरे की डेट मीन्स क्राउन, सॉरी ये हरी लाल मिर्च की क्राउन्स निकाल लें, बस इस तरीके से हम ये निकाल लेंगे सारे के सारे क्राउन्स। देखिए इस तरीके से मूंगफली भुनी जानी है, और जब ये भुन जाता है तब हम थोड़ा सा खोपरा डाल देंगे इसमें, खोपरे को भी अच्छे से भुन लेंगे। देखिए अब हल्का सा खोपरा भी भुन चुका है, तो अब मैं इसे निकाल लेती हूँ, निकाल कर फिर बताती हूँ। थोड़ा सा एक हाफ स्पून हम तेल लेंगे इसमें, तेल लेकर ये जो लहसुन की कलियाँ हैं वो डालेंगे। फिर इसमें डालेंगे हम ये लाल मिर्च, नमक, और जो इमली मैंने पूरी साफ करके रख ली थी वो इमली डालेंगे। इसे हम थोड़ा भुने, जरा थोड़ी सी ये लाल मिर्चें हल्की सी ब्राउन होनी चाहिए ताकि वो चटनी में कलर भी अच्छा आए, इसका फ्लेवर भी अच्छा निखर गया। हल्की सी ब्राउन, अब ये हल्की सी ब्राउन हो चुकी है, तब ये हम हमारा भुना मसाला इसमें डालते हैं। इसे हम थोड़ा सा सॉल्ट ठंडा करके इसे हम पेस्ट की तरह बना लेंगे। तो बन गई आपकी चटनी तैयार, मैं पेस्ट करके आपको बताऊंगी फिर। देखिए चटनी इस तरीके से तैयार हो चुकी है, अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। इसकी कंसिस्टेंसी आप खुद डिसाइड कर लीजिए, हम तो ऐसे खाते हैं। मैं ये स्पून की मदद से ही डालती हूँ हमेशा डोसा, तो ऐसा मेरा डोसा तैयार हो जाएगा। ये डोसा तैयार हो गया हमारा। फाइनली अब ये तैयार हो चुका है आलू का साग, चटनी और डोसे। गरम गरम सर्व करिए, और प्लीज़ मेरी और रेसिपीज़ देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, कमेंट करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ कुछ नया करने की उम्मीद में। अल्लाह हाफिज़।